नमस्ते, आज हम पढ़ेंगे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, जो कि एक डिजीज है, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, मतलब किसकी वजह से होता है ये डिजीज। द डिजीज इज कॉज्ड बाय एल्बुगो कैंडिडा, ए फंगस विच इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड रिमेन्स विद इन द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द होस्ट टिश्यू। ये जो डिजीज है, ये एल्बुगो कैंडिडा एक जो कि एक फंगस है, उसी से होता है, जो कि एक ऑब्लिगेट पैरासाइट फंगस है। और एल्बुगो कैंडिडा जो है, ये होस्ट टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेसेस में रह जाता है। सिम्टम्स क्या है इस डिजीज का, मतलब राइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर का सिम्टम्स क्या है। पहला वाला जो सिम्टम्स है ये है कि द डिजीज शोस बोथ लोकलाइज्ड एंड सिस्टमेटिक सिम्टम्स विजिबल ऑन द एरल पार्ट ऑफ द होस्ट लाइक लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इट अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट पस्टल्स, यूजुअली डेवलप ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीफ, बट इन सीवियर इन्फेक्शन दे स्प्रेड ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द लीफ एंड स्टेम। मतलब ये क्या होता है कि जो सिम्टम्स है, ये पहले व्हाइट पस्टल्स होके, मतलब लीफ के लोअर सर्फेस में ये पहले दिखा जाता है, ठीक है, लीव्स के लोअर सर्फेस में पहले देखा जाता है। उसके बाद अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, सीवियर इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ गया तो ये धीरे धीरे स्प्रेड होकर अपर सर्फेस में भी आ जाता है, लीफ के और फिर स्टेम पे, ठीक है। द इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द होस्ट बिकम एबनॉर्मल एंड द एबनॉर्मलिटी इज इन द फॉर्म ऑफ हाइपरट्रॉफी, फ्लेसीनेस एंड डिस्टॉर्शन। इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द होस्ट जो है वो एबनॉर्मल कुछ दिखा देता है, एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है, मतलब कैसा, जैसे कि हाइपरट्रॉफी और फ्लेसीनेस, फ्लेसी जैसे, मतलब फ्लेसी जैसे, और डिस्टॉर्शन मतलब छोड़ छोड़ के रहना, ठीक है, ऐसे सब एबनॉर्मलिटी दिखाई देता है इन्फेक्टेड पार्ट्स में। द इन्फेक्टेड लीव्स बिकम ड्वार्फ, थिक एंड फ्लेसी, वाइल द फ्लावर्स बिकम स्टेराइल एंड एनॉर्मसली एनलार्ज्ड ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लासिया ऑफ द अफेक्टेड सेल्स। तो गाइस, बाहर की नॉइज के लिए, बैकग्राउंड नॉइज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि बाहर तो बहुत ही जोर से बारिश हो रहा है, ठीक है, बारिश का मौसम है। द इन्फेक्टेड लीव्स बिकम ड्वार्फ, जो इन लीव्स जो इन्फेक्ट हो जाता है वो ड्वार्फ हो जाता है। ये जो टर्म्स है, ड्वार्फ, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लासिया, फ्लेसी, ये सब जो टर्म्स है ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो इन्फेक्टेड लीव्स जो है वो ड्वार्फ हो जाता है और मोटा हो जाता है, फ्लेसी हो जाता है, मतलब फ्लेसी मतलब फ्लेश जैसा, ठीक है, फ्लेश लाइक, मतलब छूने से ऐसा लगता है। और जो फ्लावर जो है वो स्टेराइल हो जाता है, स्टेराइल मतलब तो आपको पता ही है, ना मेल और ना ही फीमेल, तो फ्लावर जो है वो स्टेराइल होता है, मतलब उसका जो रिप्रोडक्शन करने वाला जो क्षमता है, वो एबिलिटी है, वो और वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। और जो उस जो फ्लावर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्यों, अफेक्टेड सेल्स जो है उसका हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया की वजह से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। द सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन एंड कार्पेल्स बिकम फ्लेसी एंड मालफॉर्म्ड। सेपल, पेटल, स्टामेन, फ्लावर का जो सेपल होता है, पेटल, स्टामेन और कार्पेल जो है वो बहुत वो फ्लेसी हो जाता है और मालफॉर्म्ड हो जाता है। मालफॉर्म्ड माल फंक्शन, जैसे कि फंक्शन करने से जैसे फॉर्म होना चाहिए वैसा फॉर्म नहीं होता, वो मालफॉर्म, उसे मालफॉर्म्ड बोलते हैं। और माल फंक्शन मतलब क्या है, जैसे फंक्शन करना चाहिए वैसे फंक्शन नहीं करता है, उसे बोलते हैं माल फंक्शनिंग। और माल फॉर्म्ड मतलब जैसा फॉर्म होना चाहिए वैसे फॉर्म नहीं होता है, उसे बोलते हैं क्या, माल फॉर्म्ड। अब इसका ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन मतलब कैसे ट्रांसफर होता है ये डिजीज। द व्हाइट रस्ट इज ए सॉइल बॉर्न डिजीज। सॉइल बॉर्न डिजीज मतलब क्या है, सॉइल बॉर्न डिजीज का मतलब है कैरीड बाय द सॉइल। द पाथोजन परपेचुएट्स बाय द ऊज पोर्स लाइंग इन द डिजीटेड प्लांट डेब्रिस। परपेचुएट्स मतलब है कंटिन्यूड बाय एंड डेब्रिस मतलब है डिस्टर्ब पार्ट, ठीक है। जो व्हाइट रस्ट डिजीज है ये एक सॉइल डिजीज है, मतलब कैरीड बाय द सॉइल। और जो पाथोजन है ये धीरे धीरे ऊज पोर के जरिए कंटिन्यू करता है, उस पोर के जरिए प्लांट डेब्रिस तक, क्योंकि ये डिजीज जो है ये उस पोर के जरिए वो जाता है, उस पोर के जरिए जाता है, इसलिए उस पोर को चीप सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम बोला जाता है। द पाथोजन परपेचुएट्स बाय द, मतलब द पाथोजन कंटिन्यूस बाय द उस पोर्स लाइंग इन द डिजीज प्लांट डेब्रिस। दस द उस पोर्स आर द चीप सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम, ठीक है। द एयरबोन कॉनिडिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन।
एयरबोन कोनिडिया। एयरबोन मतलब क्या है, जैसे कि सॉयल बोन यहाँ पे बताया कैरिड बाय द सॉइल, ठीक वैसे ही एयरबोन क्या होता है, एयरबोन कोनिडिया मतलब कैरिड बाय द एयर। जो कोनिडिया है, कोनिडिया मतलब क्या है, कोनिडिया मतलब है एक स्पोर, ठीक है, फंगल स्पोर बाय कोनिडिया ऑफ फोर्स, कोनिडिया स्पोर, ठीक है, कोनिडिया मतलब है फंगल स्पोर। द एयरबोन कोनिडिया कैरिड बाय द फंगल स्पोर कैरिड बाय द एयर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। रैपिड स्प्रेड मतलब ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी वजह कौन होता है, इसकी वजह होता है जो एयरबोन कोनिडिया, यही उसका वजह है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा स्पीड से हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको सॉइल बर्न मतलब कैरिड बाय सॉइल है, परपेचुअल्स मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूड, यहाँ पे आप परपेचुअल्स ना लिखकर कॉन्टिन्यूड भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस बाय द, और डेब्रिस, एयरबोन डिजीज एंड कोनिडिया, इनोकुलम, उस्पोर, ये सब जो टर्म्स है ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं इसका कंट्रोल मेजर्स, मतलब कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इस डिजीज को, बाय क्रॉप रोटेशन एट सुइटेबल इंटरवल्स, बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड्स एंड इन्फेक्टेड प्लांट्स, बाय स्प्रेइंग 0.8% वोडियस मिक्सचर, ठीक है। इन तीनों स्टेप्स से, स्टेप के जरिए हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन एट सुइटेबल इंटरवल मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ क्रॉप रोटेशन क्या होता है इसके बारे में। क्रॉप रोटेशन मतलब एक सीजनल क्रॉप चेंज, सीजनल मतलब जो कल्टीवेशन है उसे चेंज करना है सीजनल, ठीक है, क्रॉप चेंज करना है। उसके बाद आता है बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड्स एंड इन्फेक्टेड प्लांट्स, जो कुछ भी वीड्स और इन्फेक्टेड प्लांट्स है उसे डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है, कैसे कैसे, सिर्फ केमिकल या फिर काटने से, कैसे भी करके उसे डिस्ट्रॉय करना है बस, बाय स्प्रेइंग 0.8% बोर्डियोक्स मिक्सचर। बोर्डियोस मिक्सचर हमें स्प्रे करना है, कितना, 0.8%, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए, मतलब अगर आप मेरे चैनल में नए हो, आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि लाइक करने से आगे वीडियो और बनाने के लिए जोश मिलता है। धन्यवाद।